हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट है बेटा, हिंदी की वर्कशीट है, कक्षा 7 की, 7वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये वर्कशीट नंबर है 3। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 24 सितंबर 2020 यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। हम पहले 2 वर्कशीट पढ़ चुके हैं बेटा हिंदी की, आज ये तीसरी वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए कि पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। तो देखिए बेटा, घरों में रहते हुए आप लोगों को बहुत दिन हो गए, सभी का स्कूल आने का मन कर रहा है, अपने टीचर्स से मिलने का मन कर रहा है। तो ऐसे ही बेटा पक्षी होते हैं, जो हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनका भी आजाद होने का मन करता है, वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि वो आजाद पंछी हैं। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यानी कि जो 2 भाग है वो हम पहले 2 वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरा भाग है। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, तो इसको कवि का नाम भी आपको जरूर याद होना चाहिए। कौन है इसके कवि? इसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कवि कहते हैं कि बेटा सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है और वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। वो कहते हैं बेटा, पक्षी कहते हैं कि जो है चाहे उन्हें घोंसले का जो है घोंसला बनाने के लिए पेड़ की एक भी डाली ना दो और चाहे उन्हें रहने का भी स्थान ना दो, लेकिन क्या वो अपने इसके लिए उन्हें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन वो कहते हैं कि बेटा अगर हमें उड़ने के लिए भगवान ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा न डालो। तो यहाँ पर देखिए बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं। नीड का मतलब होता है, नीड है देखिए यहाँ पर, ये रही नीड। नीड का मतलब होता है घोंसला। आश्रय का मतलब होता है बेटा घर। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। विघ्न होता है बाधा। क्या होता है बेटा? बाधा। तो यहाँ ये कवि ने यही भावार्थ दिया है कि बेटा जो ये कविता की कुछ लाइनें दी हैं उनके माध्यम से ये कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यानी कि आसमान में और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं, वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने के स्थान भी तोड़ डालो उनके, लेकिन भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। ये जो है मानव जाति को एक संदेश दिया है उन्होंने बेटा इन पंक्तियों के माध्यम से। लेखक कवि ने भी एक संदेश दिया है कि जो है पक्षियों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। तो आइए जाने हमने क्या सीखा है। प्रश्न नंबर 1 है बेटा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर आसमान को छूने की इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की सीमाओं को छूने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं।
पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं है, अपने विचार लिखिए। तो देखिए बेटा, इतना तो आप भी जानते होंगे, आप 7th क्लास में हो गए हैं, कि पक्षियों को क्या हमें पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तो बेटा मेरे विचार में हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह ही जैसे हम अपनी आजादी चाहते हैं, पक्षी भी अपनी आजादी चाहते हैं, और पक्षी तो जो है खुले आसमान में और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि नहीं, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी आजाद पंछी होते हैं और वो खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं। इसके आगे बेटा निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें कुछ ये शब्द दिए गए हैं, जैसे घोषला, प्रतियोगिता, बाधा, घर। जैसे कि यहाँ पर इस कविता में दिए गए हैं ये शब्द, तो इन पे एक वाक्य बनाना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ उसमें उस वाक्य में घोषला शब्द आना चाहिए। कि जैसे मैंने बहुत सारे खेत में गया, मैंने बहुत सारे चिड़ियों के घोंसले देखे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरे घर के पास चिड़िया का घोंसला है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता से क्या लिखा है बेटा, मेरे विद्यालय में कल एक प्रतियोगिता है। बाधा, किसी के काम में बाधा मत डालो। घर, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है। तो देखिए बेटा, मेरे जानकारी में तो मेरे किसी भी जानकारी में किसी ने कोई भी पक्षी नहीं पाला है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि नहीं, मेरी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी नहीं पाला है, लेकिन अगर पक्षी को पालते भी हैं तो उसे अपने बच्चे की तरह रखना चाहिए, उन्हें आवश्यकता अनुसार सारी सुविधाएं देनी चाहिए। ये नहीं है कि बेटा उसको पिंजरे में डाल दिया और उसको ना खाने को दिया ना पानी पीने को दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो बेटा पहली बात तो हमें पक्षियों को पालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी आजादी चाहते हैं, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।